नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। चढ़ने लगी होली की खुमारी, गिरने लगे शराबी, नशे में बाइक सवार डिवाइडर से टकराए, फिर बचाने आए लोगों से झगड़ने लगे। होली अभी दो दिन दूर है, लेकिन शहर के लोगों में त्योहार का नशा अभी से सिर चढ़कर बोलने लगा है। नशे में बाइक चलाकर लोग गिर रहे हैं। ऐसे ही एक घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ तीन बाइक सवार डिवाइडर से टकराकर गिर गए, जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं। दुर्ग शहर के बीचों बीच परदेशी पारा के पास रविवार रात का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस इन बाइक सवारों को तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बस स्टैंड के पास तीन युवक बाइक में सवार होकर तेजी से आए और खाली सड़क में ही डिवाइडर से टकरा गए। आसपास मौजूद लोगों ने दौड़कर उन्हें बचाया, लेकिन इन शराबियों ने लोगों की मदद को एगो में ले लिया और लोगों को गाली देने लगे। तीनों ने जमकर शराब पी हुई थी। लड़कों कुछ देर तक लोगों से झगड़ा किया, इसके बाद पुलिस के आने और पकड़े जाने के डर से वहां से भाग गए। बाल बाल बची तीन की जान। बाइक डिवाइडर में टकराने से तीन युवक डिवाइडर से सीधे टकरा गए। उनके सिर और हाथ पैर में काफी चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अच्छा ये रहा कि उनका सिर सीधे डिवाइडर से नहीं टकराया, नहीं तो उन्हें ज्यादा चोटें आ सकती थी।